हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ गुरदीप एंड वेलकम टू एडवांस एग्रीकल्चर क्लासेस। टुडे इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट ए वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ द सॉयल, दैट इज सॉयल स्ट्रक्चर। अप टिल नाउ वी हैव डिस्कस्ड अबाउट व्हाट इज सॉयल, व्हाट आर डिफरेंट काइंड ऑफ सॉयल्स आर देयर एंड सम डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ सॉयल लाइक सॉयल टेक्स्चर, परमेबिलिटी एंड मैनी। सो अगर आपने पहले वाले लेक्चर नहीं देखे हैं तो प्लीज़ पहले आप उन सब लेक्चर्स को भी देख लें, जिससे कि आपको सॉयल के बारे में बेसिक आइडिया हो जाए। सॉयल क्या है, सॉयल प्रॉपर्टीज़ क्या है और कौन कौन सी सॉयल प्रॉपर्टीज़ हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं आज हम सॉयल स्ट्रक्चर के बारे में। सॉयल स्ट्रक्चर, डेंसिटी एंड पोरोसिटी, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉयल ऑन विच द सॉयल एंड क्रॉप एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ द क्रॉप आर डिपेंडिंग। सो लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, डेफिनेशन ऑफ द सॉयल स्ट्रक्चर। सो सॉयल स्ट्रक्चर इज द अरेंजमेंट ऑफ द प्राइमरी सॉयल पार्टिकल्स, दैट इज सैंड, सिल्ट एंड क्ले एंड अदर सॉयल मटेरियल्स इन टू डिस्क्रीट एग्रीगेट्स। मीन्स सॉयल स्ट्रक्चर उन सब पार्टिकल्स का, बेसिक पार्टिकल्स का अरेंजमेंट है, जो कि बेसिक पार्टिकल कौन से हैं, सैंड, सिल्ट एंड क्ले। तो इनका अरेंजमेंट कैसा है, उनके अरेंजमेंट के आधार पर वो एक शेप बनाती हैं, उस शेप को हम उसका स्ट्रक्चर बोलते हैं। शेप के आधार पे ही हम स्ट्रक्चर का डिक्लेयर करते हैं कि ये सॉयल इस स्ट्रक्चर की है। देन ए न्यू टर्म्स कम्स हेयर, दैट इज पैड्स। सो पैड्स इज ए बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर यूनिट्स आर कॉल्ड पैड्स एंड हैव डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज एंड वेल डिफाइंड प्लेन्स ऑफ वीकनेस बिटवीन द एग्रीगेट्स। तो पैड्स एक उसकी बेसिक यूनिट है स्ट्रक्चर्स की, जिससे कि हमारे स्ट्रक्चर बनते हैं। जैसे एक प्लेटी स्ट्रक्चर है या ग्रेनुलर स्ट्रक्चर है, तो उनकी एक बेसिक जो एग्रीगेट बनाने की या मीन उसकी वीकनेस कहाँ से बताती है, तो उनको हम पैड्स बोलते हैं। पैड्स कंसिस्ट ऑफ प्राइमरी पार्टिकल्स बाउंड्री टुगेदर सीमेंटिंग एजेंट्स लाइक ऑर्गेनिक मैटर, क्ले, हाइड्रस ऑक्साइड्स ऑफ आयरन एंड एल्यूमिनियम। पैड्स कैन टेक सेवरल शेप्स। तो पैड्स है वो डिफरेंट शेप्स ले सकते हैं अकॉर्डिंग टू द अरेंजमेंट ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले। तो हम देखते हैं पेड शेप कौन कौन से हो सकते हैं। ये हो सकते हैं ग्रेनुलर, हो सकते हैं ब्लॉकी, प्रिज्मेटिक, कोलमनार, प्लेटी, सिंगल ग्रेंड एंड मासिव। तो हमने इसके फिगर्स भी साथ में दिखाए। तो ग्रेनुलर कैसे हो सकते हैं, इस तरह ग्रेनुलर हो सकते हैं, क्रम्ब हो सकते हैं, प्लेटी हो सकते हैं, प्लेट्स के स्ट्रक्चर में हो सकते हैं, प्रिज्मेटिक हो सकते हैं, प्रिज्म की तरह होते हैं, मासिव हो सकते हैं, पूरा एग्रीगेट हो सकता है, कॉलमनार कॉलम के शेप में हो सकते हैं, ब्लॉक्स के शेप में हो सकते हैं और सिंगल ग्रेन्स के फॉर्म में हो सकते हैं। चलिए देखते हैं एक एक करके सबके बारे में। सबसे पहले ग्रेनुलर स्ट्रक्चर, रिजेंबल्स कुकी क्रम्स एंड यूजुअली लेस देन 0.5 सेंटीमीटर इन डायमीटर। तो एक कुकीज़ की तरह देखते हैं, कुकीज़ क्रम्स की तरह मीन्स की अलग अलग होते हैं और इनका डायमीटर जनरली 0.5 सेंटीमीटर से छोटा होता है। कॉमनली फाउंड इन सरफेस हॉरिजन्स वेयर रूट हैव बीन ग्रोइंग। सरफेस हॉरिजन्स में मिलते हैं जाके रूट्स ग्रो करती हैं। तो इस तरह का स्ट्रक्चर शो किया गया है, ये ग्रेनुलर स्ट्रक्चर है। देखिए छोटे छोटे ग्रेनुलर से मिलकर ये पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ है। नेक्स्ट है ब्लॉकी स्ट्रक्चर, इरेगुलर ब्लॉक्स दैट आर यूजली 1.5 to 5 सेंटीमीटर इन डायमीटर। तो ऐसे ब्लॉक्स इरेगुलर शेप के, किसी भी शेप के हो सकते, देखिए किसी भी शेप के इरेगुलर ब्लॉक्स दिखाए गए हैं और जो कि 1.5 से 5 सेंटीमीटर के डायमीटर में हो सकते हैं। कैन बी सब ग्रेनुलर और एंगुलर ब्लॉकी। तो ये एंगुलर भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि ऐसे ही हो, हो सकता है ये एंगुलर ऐसे भी ब्लॉक्स हों। तो इनका कोई भी इरेगुलर शेप हो सकता है, ये मैटर नहीं करता कि किस शेप के हैं, ये साइज पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट है प्रिज्मेटिक स्ट्रक्चर। प्रिज्मेटिक स्ट्रक्चर वर्टिकल कॉलम्स ऑफ सॉयल दैट माइट बी नंबर ऑफ सेंटीमीटर लॉन्ग। तो कॉलमनार की तरह ही होते हैं लेकिन कितने भी लेंथ में हो सकते हैं। यूजुअली फाउंड इन लोअर होरिजन्स, बहुत ही डीप होरिजन्स में मिलते हैं। देन कॉलमनार स्ट्रक्चर, वर्टिकल कॉलम्स ऑफ सॉयल दैट हैव ए सॉल्ट कैप एट द टॉप। ऐसे स्ट्रक्चर जिसके टॉप पे एक सॉल्ट कैप हो, इसको हम कॉलमनार स्ट्रक्चर बोलते हैं। फाउंड इन सॉयल्स ऑफ एरिड क्लाइमेट, तो ये एरिड क्लाइमेट सॉयल्स में मिलती है। तो यहाँ पे हम देखने की चीज़ ये है कि कोलमनार और प्रिज्मेटिक में डिफरेंस क्या है बेसिक, क्योंकि दोनों ही एक जैसे दिखाई दे रहे हैं, प्रिज्मेटिक भी और कोलमनार भी। तो इसमें डिफरेंस ये है कि
जो कोलमनार स्ट्रक्चर्स है ये सरफेस पे मिलते हैं और इनकी सरफेस पे जनरली सॉल्ट कैप होती है, जबकि जो प्रिज्मेटिक स्ट्रक्चर है ये लोअर हॉरिजन्स में मिलते हैं, बहुत डीप में मिलते हैं, ये सोयल सरफेस पे नहीं होते। नेक्स्ट इज प्लेटी स्ट्रक्चर, थिन प्लेट्स ऑफ सॉयल दैट लाई हॉरिजेंटली। तो हॉरिजॉन्टली प्लेट्स की तरह आपको दिखाई दे रहे हैं इस फिगर में कि ये प्लेट्स की तरह हॉरिजॉन्टल है और इस तरह से सेट है। यूजुअली फाउंड इन कॉम्पैक्ट सॉयल, तो जनरली ये कॉम्पैक्ट सॉयल में मिलते हैं जहाँ पे कि सॉयल बहुत कॉम्पैक्ट है या बहुत अंडर प्रेशर है। देन सिंगल ग्रेन स्ट्रक्चर, तो सिंगल ग्रेन स्ट्रक्चर कौन से हुए? सॉइल इज ब्रोकन इंटू इंडिविजुअल पार्टिकल दैट डू नॉट स्टिक टुगेदर। तो ऐसे पार्टिकल जो कि बहुत ही इंडिविजुअल है और वो आपस में चिपके हुए नहीं हैं। तो जैसे हमारी सैंड हो गई, सैंड की तरह हम इसे कह सकते हैं कि ये ग्रेनुलर होते हैं, लेकिन सैंड का साइज छोटा होता है, 0.2 सेंटीमीटर तक होता है, लेकिन ये थोड़े बड़े रहते हैं और लेकिन स्टिक नहीं करते आपस में। ऑलवेज कंपनीज ए लूज कंसिस्टेंट, ए लूज फॉर्म में रहते हैं, कॉमनली फाउंड इन सैंडी सॉइल। तो जनरली सैंडी सॉइल में मिलते हैं। नेक्स्ट है मसिव स्ट्रक्चर, सॉइल हैज़ नो विजुअल स्ट्रक्चर, इट हैज़ हार्ड टू ब्रेक अपार्ट एंड अपियर इन वेरी लार्ज क्लाउड्स क्लॉट्स। तो ये बहुत बड़े बड़े स्ट्रक्चर रहते हैं, बहुत बड़े बोल्डर्स रहते हैं जो कि सिंगल शेप में रहते हैं, सिंगल नंबर में रहते हैं और ये बहुत ही हार्ड होते हैं, रॉक्स की तरह होते हैं। नेक्स्ट इज ग्रेड्स ऑफ स्ट्रक्चर, तो स्ट्रक्चर के ग्रेड्स क्या क्या है? द टर्म वीक, मॉडरेट एंड स्ट्रॉन्ग आर यूज टू डिस्क्राइब द ग्रेड्स ऑफ हाउ स्टेबल द पेयर्स आर एंड हाउ हार्ड दे आर टू ब्रेक अपार्ट। तो स्ट्रक्चर की स्ट्रेंथ के ऊपर डिपेंड करता है, ये स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग इनको कैटेगराइज किया गया है जो कि वीक, मॉडरेट एंड स्ट्रॉन्ग है। क्लासेस ऑफ द सॉयल, तो सॉयल की क्लासेस क्या है हमने पहले भी डिस्कस किया है इसके बारे में, तो अगर आपने इसके बारे में डिटेल में पढ़ना है तो आप सॉयल टेक्सचर लेक्चर में जाके देख सकते हैं, उसमें हमने बहुत डीपली इसको डिस्कस किया है, डिस्क्राइब किया है। तो फिर भी मैं नटशेल में बताऊंगा कि फाइन सॉयल क्या है, मीडियम सॉयल क्या है, कोर सॉयल क्या है। तो फाइन सॉइल वो है जिसका जो साइज है 0.002 mm से 0.02 mm तक रहता है, और मीडियम का 0.022 mm रहता है, और कोर्स का ग्रेटर देन 2 mm रहता है। तो इसको हम इस तरह से डिवाइड करते हैं। नेक्स्ट है डिग्री ऑफ वाटर मूवमेंट, तो जो वाटर मूवमेंट है वो डिपेंड करती है स्ट्रक्चर पे और भी, हालांकि उसकी पोरोसिटी टेक्सचर सब पे डिपेंड करती है, लेकिन हम यहाँ पे देखेंगे कि स्ट्रक्चर पे कैसे डिपेंड करती है वाटर मूवमेंट, पोरोसिटी पे कैसे डिपेंड करता है, टेक्सचर पे कैसे डिपेंड करता है। हमने ये डिटेल में सॉयल टेक्सचर लेक्चर में डिस्कस किया है, अगर आप फिर से उसके बारे में डिटेल में जानना चाहें तो प्लीज़ आप सॉयल स्ट्रक्चर लेक्चर को रेफर कर सकते हैं। हम यहाँ पे सिर्फ स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे, सॉयल स्ट्रक्चर पे कैसे डिपेंड करता है। तो अगर सॉयल स्ट्रक्चर सिंगल ग्रेन है और ये उसमें कोई भी एडहेसिव फोर्स नहीं है तो इसमें जो ड्रेन होगा वाटर बहुत इजीली हो जाएगा, लाइक सैंडी सॉयल। तो इसमें वाटर मूवमेंट बहुत रैपिड होगा और वेरी इजीली हो जाएगा। अगर ब्लॉकी स्ट्रक्चर है तो ब्लॉकी स्ट्रक्चर में वाटर मूवमेंट थोड़ा डिफिकल्ट होता है एज़ कम्पेयर टू सिंगल ग्रेन्स, तो इसकी परमेबिलिटी थोड़ी कम होती है। और जो प्लेटी स्ट्रक्चर है, प्लेटी स्ट्रक्चर की परमेबिलिटी बहुत ही कम होती है क्योंकि इसमें वाटर जाने की चांस बहुत कम रहता है, क्योंकि प्लेट्स के फॉर्म में रहता है तो वाटर क्या है इधर उधर बह जाता है, लेकिन परमेबल नहीं होता, क्योंकि अगर परमेबल होता तो सॉयल शीट्स के फॉर्म में, रॉक शीट्स के फॉर्म में, जो कि परमेबल नहीं होती, तो इसमें वाटर मूवमेंट बहुत ही कम होता है। इसी तरह से ग्रेनुलर में भी जल्दी होता है क्योंकि इसमें पोर स्पेसेस ज़्यादा होते हैं, इसमें भी जल्दी वाटर मूवमेंट हो जाता है। अगर हम प्रिज्मेटिक की बात करें, इसमें भी वाटर मूवमेंट मॉडरेट रहता है। मॉडरेट क्यों रहता है? क्योंकि इसमें कॉलम्स में जो बीच में स्पेस रहता है प्रिज्मेटिक में, तो उस स्पेसिस में से वाटर मूवमेंट हो जाता है और इसमें डिफ़िकल्टी नहीं होती। और जो मासिव स्ट्रक्चर, इसमें भी बहुत स्लो रहता है जैसे कि प्लेटी में हमने देखा, क्योंकि इसमें सिंगल मासिव रहता है, सिंगल पीस रहता है, तो इसमें से अगर इन्फिल्ट्रेट होगा तभी जाके वाटर नीचे आएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं सॉइल की प्रॉपर्टी क्या है, बल्क डेंसिटी। तो बल्क डेंसिटी, तो आप जानते होंगे बल्क डेंसिटी क्या है। तो बल्क डेंसिटी इज द मास पर यूनिट बल्क वॉल्यूम ऑफ द सॉइल दैट हैज़ बीन ड्राइड एट ए कॉन्स्टेंट वेट एट 105 डिग्री सेल्सियस। तो बल्क डेंसिटी हमने क्या कहा कि बल्क में, कि अगर हमारा एक बर्तन है या हमारा एक पॉट है, इसमें हमने सॉयल डाल दिया, तो सॉयल डालने के बाद इसमें हम एयर स्पेस या पोर स्पेस खाली रहते हैं, तो इसको हम कंसीडर
करते हुए इसकी वॉल्यूम पर यूनिट मास निकाल लेते हैं, यानी इसमें कितना वॉल्यूम आ रहा है इंक्लूडिंग एयर, तो इसको हम बल्क डेंसिटी बोलते हैं, वेट ऑफ ड्राई सॉयल डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ द ड्राई सॉयल, तो ये मास पर यूनिट वॉल्यूम में निकलती है हमारी। नेक्स्ट है पार्टिकल डेंसिटी, तो पार्टिकल डेंसिटी और ट्रू डेंसिटी, तो ट्रू डेंसिटी क्या है, पार्टिकल डेंसिटी इज द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द सॉयल पार्टिकल, तो यहाँ पे हम सिर्फ सॉयल पार्टिकल का लेते हैं, इसमें एयर को हम इंक्लूड नहीं करते। द पार्टिकल डेंसिटी इज रिलेटिवली कॉन्स्टेंट पैरामीटर एंड इज समटाइम्स एज्यूम टू बी 2.65 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो ये लगभग कॉन्स्टेंट है क्योंकि इसमें हम एयर को इंक्लूड नहीं करते हैं, एयर को इंक्लूड नहीं करेंगे तो इसका मतलब हमारी कि लगभग लगभग हम इसको फिक्स रखते हैं या कॉन्स्टेंट रखते हैं, एन एवरेज 2.65 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। तो पार्टिकल डेंसिटी क्या है, वेट ऑफ ड्राई सॉइल डिवाइड बाय द वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड, एक बीकर लेंगे उसमें हम अगर सॉयल डालते हैं, तो अगर हम उसमें सॉयल डालते हैं तो क्या होगा, सॉयल डालने में इसमें जितना पोर स्पेसेस होंगे वो सब एयर से खाली हो जाएंगे, इसमें वाटर भर जाएगा, तो जितना इसमें वाटर भर जाएगा इसका मतलब है कि उसमें इतनी एयर अवेलेबल थी, जितना एयर वॉल्यूम वॉल्यूम ऑफ वाटर फिलअप हो गया है, जितना कंज्यूम किया है इसने, इतना एब्जॉर्ब किया है, तो उस वॉल्यूम को हम माइनस कर देते हैं सॉयल स्ट्रक्चर से, तो मतलब कि इतनी सॉयल में एयर थी, तो जब उसके रिस्पेक्ट में जब हम सॉयल का डेंसिटी निकालते हैं तो उसको हम पार्टिकल डेंसिटी या ट्रू डेंसिटी कहते हैं। नेक्स्ट है पोरोसिटी, द सॉयल पोरोसिटी इज द परसेंटेज ऑफ द सॉयल दैट इज पोर स्पेस और वॉइड्स, तो कितना परसेंट सॉयल उसमें फ्री है, मीन्स कि कितनी उसमें एयर अवेलेबल है, जैसे हमारा सॉयल है तो सॉयल में अगर 5% एयर है तो मतलब 95% सॉलिड है और 5% एयर है, तो इसको हम इसकी पोरोसिटी कहते हैं। द एवरेज सॉयल हैज़ ए पोरोसिटी ऑफ अबाउट 50%, तो एवरेज 50% होती है। द पोर्स आर फिल्ड विद एयर और वाटर डिपेंडिंग ऑन द मॉइस्चर कंटेंट, तो या तो एयर से या वाटर से फिल्ड रहते हैं, अगर हमारी सेचुरेटेड सॉयल है तो वाटर से फिल्ड अप होगी, अगर ड्राई सॉइल है तो हमारी एयर से फिल्ड अप होगी। सैंड हैव लार्जर पोर्स बट लेस टोटल पोर स्पेस देन क्ले, सैंड में हमारे बड़े स्पेसेस होंगे लेकिन नंबर ऑफ स्पेसेस कम होंगे, कम क्यों होंगे, क्योंकि पार्टिकल साइज ज़्यादा है, अगर हम एक बीकर लें उसमें अगर हम सैंड डालते हैं सपोज इसमें चार पार्टिकल आ पा रहे हैं, इसका मतलब इसमें चार ही पोर्स बनेंगे, अगर सेम हमने क्ले लिया तो क्ले में हमारे अगर हम 20 उसमें आ जाते हैं, इसका मतलब है कि 20 उसमें पोर स्पेसेस बन जाएंगे, तो इस तरह से उसमें सैंड में पोर स्पेस बड़े होंगे लेकिन कम होंगे, लेकिन क्ले में या सिल्ट में पोर स्पेसेस छोटे होंगे लेकिन ज़्यादा होंगे। इफ़ द बल्क डेंसिटी एंड पार्टिकल डेंसिटी आर नोन द टोटल पोरोसिटी कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग द फॉर्मूला, अगर पोरोसिटी ज्ञात करनी है तो क्या कैसे ज्ञात करते हैं, 1 माइनस बल्क डेंसिटी डिवाइड बाय पार्टिकल डेंसिटी, मतलब कि पार्टिकल डेंसिटी में से अगर बल्क डेंसिटी माइनस कर देंगे तो हमारे पोर्स बच जाएंगे, पोर बच गए, पोर डिवाइड बाय अगर हम उसमें पार्टिकल डेंसिटी कर देंगे डिवाइड बाय इंटू 100 कर देंगे पोरोसिटी मिल जाएगा। नेक्स्ट है सॉयल परमेबिलिटी, द सॉयल परमेबिलिटी इज द ईज विद विच वाटर एयर प्लांट रूट प्रेजेंट पेनिट्रेट टू पास थ्रू सॉयल, तो कितना इजिली एयर या वाटर इसमें से पास हो जाता है, इसको हम सॉयल परमेबिलिटी बोलते हैं। सॉयल विद लार्ज पोर्स कनेक्टेड आर मोर परमेबल, जैसे हमने देखा कि सैंड है जो ग्रेनुलर स्ट्रक्चर्स की इसमें सैंड है, इसके मतलब पोर स्पेस बड़े हैं, तो इसमें सॉयल परमेबिलिटी ज़्यादा होती है। सिमिलरली अगर हम देखें क्ले या सिल्ट में, उसमें पोर स्पेस छोटे होंगे लेकिन ज़्यादा होंगे, तो उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है, मतलब कि वाटर परमेबिलिटी कम होगी। रेन वाटर सोक्स इज रीडली एंड मूव्स डाउन थ्रू द सॉयल प्रोफाइल, तो अगर कोई सैंडी सॉयल है तो उसमें वाटर जल्दी इसको सोक कर लेगी और जल्दी से इसको परकोलेट हो जाएगा सॉयल प्रोफाइल में। क्ले सॉयल्स कैन हैव ग्रेटर टोटल पोरोसिटी देन सैंड एंड स्टील इज लेस परमेबल देन सैंड सिंस द पोर्स आर स्मॉल्स, तो पोर स्मॉल्स होंगे, तो पोर स्मॉल होने की वजह से क्या होगा, उसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा होगी, मीन्स कैपिलरीज ज़्यादा होंगी, कैपिलरीज ज़्यादा होने से वाटर उसमें होल्ड हो जाएगा, परमेबिलिटी कम हो जाएगी उसकी। नेक्स्ट है सोयल स्ट्रेंथ, सोयल स्ट्रेंथ इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ फोर्स रिक्वायर्ड टू रिमूव और रीअरेंज द पार्टिकल, तो सोयल स्ट्रेंथ है कि हम किसी स्ट्रक्चर्स में कितना फोर्स हमको चाहिए उसको मूव करने के लिए, या उसके जो पार्टिकल्स हैं उनको रीअरेंज करने के लिए, मीन्स उसको ब्रेक करने के लिए कितनी फोर्स चाहिए, दैट इज सोयल स्ट्रेंथ। सोयल स्ट्रेंथ इज एन इंपॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टी अफेक्टिंग द प्लांट ग्रोथ एंड सीडलिंग एमर्जेंस,
तो सोया स्ट्रेंथ ऐसी प्रॉपर्टी जो प्लांट ग्रोथ और सीड इमरजेंस को अफेक्ट करती है। कि सपोज हमारी सॉइल है वो उसका पैन हार्ड है, तो हमने इसमें सॉइल में सीड डाल दिया, तो सीड डालने के बाद जब वो जर्मिनेट होगा तो इट विल नीड मोर फोर्स टू ओपन द सॉइल एंड कम आउट। तो अगर हमारा हार्ड होगी सॉइल, उसकी सॉइल स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी तो सीड जर्मिनेट नहीं होगा, वो जर्मिनेट होने के बाद बाहर नहीं आ पाएगा, उधर ही मर जाएगा। अगर वो बहुत लूज होगी तो वो इजीली आ पाएगा बाहर, लेकिन लूज होने का डिसएडवांटेज है, अगर सॉइल लूज हुई, सैंडी सॉइल हुई, तो उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत ही कम होगी। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम हुई इसका मतलब है कि उसमें प्लांट को वाटर अवेलेबल नहीं होगा, जिससे वो विल्ट हो जाएगा, मर जाएगा। तो ये सोइल स्ट्रेंथ एक ऑप्टिमम लेवल पे होना जरूरी है प्रॉपर जर्मिनेशन के लिए। इट अफेक्ट बाय थ्री मेन फैक्टर्स, मॉइस्चर कंटेंट, सॉइल टेक्सचर एंड बल्क डेंसिटी। तो ये तीनों पे डिपेंड करती है। तो चलिए देखते हैं सोइल स्ट्रेंथ तीनों पे कैसे कैसे डिपेंड करती है। सॉइल मॉइस्चर कंटेंट एंड सॉइल स्ट्रेंथ, तो सॉइल स्ट्रेंथ मॉइस्चर कंटेंट पे कैसे डिपेंड करती है। वाटर कंटेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर डिटरमाइनिंग द सॉइल स्ट्रेंथ। द लोअर द सॉइल वाटर कंटेंट और ड्रायर द सॉइल, द ग्रेटर द सॉइल स्ट्रेंथ। सॉइल ब्लॉक लेते हैं, अगर इसको हम वाटर में डाल देते हैं, वाटर में डालने के बाद क्या होगा कि इसमें पोर स्पेसेस फुल हो जाएंगे। जब पोर स्पेसेस फुल हो जाएंगे तो इसका सेचूरेट हो जाएगी, तो सेचूरेट होने के बाद इसकी स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। वी कैन ब्रेक इट इजिली। वो इजिली क्यों ब्रेक कर पाएंगे, इसका रीजन है कि इसमें फोर्स ऑफ एडहेजन आ जाएगा। एडहेजन फोर्स मैंने बोला है कि फोर्स बिटवीन सिमिलर पार्टिकल इज कॉल्ड कोहेजन, एंड फोर्स बिटवीन डिसिमिलर इज कॉल्ड एडहेसिव। एडहेसिव फोर्स है, एक कोहेसिव फोर्स है। तो जब हमने इस सॉइल को वाटर में डाल दिया, वाटर और सॉइल के बीच में जब पोर्स के बीच में वाटर आ जाएगा, तो इसका मतलब है कि उसमें दूसरे मॉलिक्यूल्स आ गए जो कि डिसिमिलर है एज़ कम्पेयर टू सॉइल। तो जब डिसिमिलर के बीच में फोर्स बहुत कम होता है तो पार्टिकल्स टूट जाएंगे, मीन सॉइल इजिली ब्रेक हो जाएगी। और वहीं हम देखें जब सॉइल एक पूरा एग्रीगेट रहेगा, उसमें वाटर में नहीं डालेंगे, मीन्स कि वाटर कंटेंट कम होगा, तो उसमें सिमिलर पार्टिकल्स में फोर्स ज़्यादा होगा, एडहेजन ना होकर कोहेजन होगा, तो कोहेजन फोर्स ज़्यादा होता है एडहेजन से, तो वो जल्दी टूट नहीं पाएंगे। सॉइल दैट आर सेचुरेटेड और वाटर लॉक्ड हैव वीक सॉइल स्ट्रेंथ। यही कारण है कि सेचुरेटेड सॉइल मीन्स जो वाटर लॉक्ड होती हैं उनकी स्ट्रेंथ कम होती है, इजिली ब्रेक हो जाती है। सॉइल टेक्सचर एंड सॉइल स्ट्रेंथ, तो टेक्सचर पे कैसे डिपेंड करती है। सॉइल टेक्सचर आल्सो अफेक्ट द सॉइल स्ट्रेंथ। सॉइल स्ट्रक्चर ऑफ एग्रीगेट सॉइल इंक्रीज एज क्ले कंटेंट इंक्रीज। तो जैसे जैसे क्ले कंटेंट इंक्रीज होगा तो उसकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी। तो क्यों बढ़ेगी, क्योंकि उसमें पोर स्पेस छोटे होंगे, और पोर स्पेस छोटे होने का मतलब है कि उसमें मैक्सिमम क्ले होगी और उसमें मैक्सिमम कोहेजन फोर्स होगा। पुअरली एग्रीगेट और सिंगल ग्रेन सॉयल सैंडी लोमी सैंडी लोम्स यूजली हैव द वीकेस्ट सॉयल। तो ये वीकेस्ट क्यों है, क्योंकि इसमें सैंड प्रेजेंट है। तो जहाँ भी पोर स्पेस ज़्यादा होंगे तो वहाँ पे सॉयल स्ट्रेंथ कम होगी। स्ट्रेंथ अनलेस दे आर सीमेंटेड और कॉम्पैक्टेड। इंडिविजुअल पार्टिकल्स ऑफ सिंगल ग्रेन सैंडी सॉयल्स हैव ईजी टू रीअरेंज, बट दीज सॉयल्स आर सब्सेप्टेबल टू द कॉम्पैक्शन समटाइम्स रिजल्टिंग इन ए ऑफ हार्ड पैन। तो कभी कभी इनको कॉम्पैक्ट होके हार्ड पैन भी बना देती हैं, लेकिन जनरली इनका स्ट्रेंथ बहुत कम होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं बल्क डेंसिटी एंड सॉइल स्ट्रेंथ में क्या रिलेशन है। बल्क डेंसिटी इज द थर्ड फैक्टर अफेक्टिंग द सॉइल स्ट्रेंथ। एज बल्क डेंसिटी ऑफ ए गिवन सॉइल इंक्रीज, सॉइल स्ट्रेंथ आल्सो इंक्रीज। तो जैसे जैसे बल्क डेंसिटी इंक्रीज होती है तो वैसे वैसे सॉइल स्ट्रेंथ भी इंक्रीज होती है। रिमेंबर दैट सॉइल इज कंपोज्ड ऑफ सॉलिड एंड पोर्स, एंड ग्रेटर द बल्क डेंसिटी ग्रेटर द अमाउंट ऑफ सॉलिड एंड द स्मॉलर द अमाउंट ऑफ पोर स्पेस। तो सिंपल बात है कि अगर कोई सॉलिड पार्टिकल है, अगर उसमें एयर स्पेस कम होंगे तो मतलब क्या है, उसमें मैक्सिमम सॉलिड पार्टिकल्स होंगे, तो सॉलिड पार्टिकल्स में ऑटोमेटिकली कोहेजन फोर्स ज़्यादा होगा, सिमिलर तरह के होंगे तो उसमें ज़्यादा फोर्स होगा, ज़्यादा स्ट्रेंथ होगी। तो ये तो था आज का लेक्चर, जिसमें हमने देखा कि सॉइल स्ट्रक्चर क्या है, उसके डिफरेंट काइंड्स क्या है, और सॉइल के ऊपर और कौन कौन सी प्रॉपर्टीज डिपेंड करती हैं, और सॉइल स्ट्रेंथ क्या है। उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो प्लीज़ अब अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताते रहिए
जिससे कि हम इसमें और इम्प्रूवमेंट करते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।